जोड़ों का दर्द तो आजकल हम लोग के यहाँ तो जितने भी मरीज आते हैं लगभग 75% रोगी जोड़ों के दर्द के ही आते हैं। इसका मुख्य कारण हो गया है आजकल का खान पान, दूषित खान पान, जिसके चलते शुद्ध आहार नहीं मिल पाता है और कहीं कहीं जा करके वो हानि करता है। अब जोड़ों का दर्द जिन्हें हो गई है उनके लिए वो खास करके, ऐसे तो देखा गया है कि 40 वर्ष उम्र के बाद ही होता है, लेकिन अब आजकल के खान पान के चलते जवानी में भी लोगों को जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। तो उसके लिए उचित आहार विहार और कुछ व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा वगैरह करना चाहिए उन्हें। सुबह सुबह में भ्रमण करना चाहिए और उचित खान पान रखना चाहिए। खान पान में उन्हें बात बढ़ाने वाली जो भी सामान होती है उसे उसका परित्याग कर दें। जैसे सब्जियां कुछ हैं जो कि बात बढ़ाती है, कटहल, कोहड़ा, मटर, सीम, बोरा का सब्जी, बोदी जिसे बोलते हैं, बीन्स हो गई, ये सब बातर सब्जियां हैं, बैंगन, ये सब चीज़ अगर खाएंगे तो उससे बात बढ़ेगा, बात बढ़ेगा तो दर्द बढ़ेगा। ये इसलिए खान पान में इन चीज़ों का वो परित्याग कर दें। और जिन्हें दर्द की समस्या हो गई है उन्हें ठंडा आहार से भी परहेज करना चाहिए। ठंडा आहार मतलब जैसे कुछ दही हो गया, केला है, खीरा है, मूली, कद्दू का सब्जी, ये सब ठंडा सब्जियां हैं, ठंडा फल है, ये सब चीज़ को नहीं खाना चाहिए, इससे भी दर्द बढ़ता है। और फिर भी अगर ज़्यादा दर्द है तो फिर कुछ औषधि का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं हैं इसके लिए, अच्छा, घरेलू उसका उपाय सेवन सुन कर सकते हैं। घरेलू उपाय तत्काल घरेलू उपाय में है कि कुछ नहीं अगर मिलता हो तो सरसों तेल में एक बड़ा सा लहसुन, थोड़ा हींग डाल करके उसे पूरा गर्म करें, इतना गर्म करें कि लहसुन हींग उसी में जल जाए। उसके बाद तेल को उतार लें, वो जब ठंडा हो जाए तो उसी में लहसुन और हींग को मसल दें, पूरा मसल कर और तेल को छान के अलग कर लें। उस तेल को लगाने से दर्द में बहुत आराम होता है। ये बिल्कुल घरेलू उपाय है दर्द से राहत के लिए, इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा तीसी, फ्राई किया हुआ तीसी, भुना हुआ तीसी 1 चम्मच के मात्रा में अगर रोज लेते हैं तो उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे जॉइंट पेन, खासकर घुटने की समस्या जिनको हो जाती है, उसमें ये बहुत फायदेमंद है, इसलिए इसका भी सेवन कर सकते हैं।